अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ कि सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रात को 9-10 बजे पता चला, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज पहला रोज़ा हो जाएगा, लेकिन हुआ है 9-10 बजे। पिछली दफ़ा हमने ईद की थी तरावियाँ पढ़ के, और इस दफ़ा हमने तरावियों के बगैर रोज़ा रखा है, तो हिसाब बराबर हो गया, पाकिस्तानियों ने हिसाब बराबर कर दिया इस दफ़ा। तो दोस्तों, आज हम इस व्लॉग के अंदर अपनी बकरियों को, क्योंकि सब ने रोज़ा रखा हुआ है और सहरी बन रही है, तो उधर जा भी नहीं सकते क्योंकि दिल करता है खाना खाने का, तो भूख भी लगी हुई है, इसलिए हम अपना ध्यान बटाने के लिए इधर आए हैं कि हम अपनी बकरियों को बाहर खोलते हैं। सर्दियों के बाद पहली दफ़ा हमारी बकरियाँ बाहर आएँगी, उनका रिएक्शन देखते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। तो चले चलते हैं। नहीं। तो दोस्तों, बकरियों को जब लेके जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है डंडा, जिसके साथ उनको गाइड करना पड़ता है, क्योंकि वैसे मारने के लिए नहीं, वैसे ही क्योंकि उनको गाइड करने के लिए, डराने के लिए कोई चीज पास होनी चाहिए। ये तो गंदुम वगैरह होती है पास, और वो फिर उस फसल के अंदर चली जाती है। तो वो देखे चली गई है। सर्दियों के बाद पहली दफ़ा बाहर आई हैं, ठीक है? तो देखिए कितना प्यारा माहौल लगता है जब इनको बाहर लेके आए हैं हम। हम सिर्फ 10 या 20 मिनट के लिए चरवाहा बनेंगे और इनको चराएंगे और इस ब्यूटीफुल सीन को आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वो देखिए, जो छोटे बकरी के बच्चे हैं वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाहर आए हैं और इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, ये देखें। और दूसरी बात एक और, इंशाल्लाह इनको लेके जाते हैं, वो आपको बताते हैं। आज हमारे इंक्यूबेटर के अंदर जो हमने अंडे रखे थे उनको भी दिन पूरे हो गए हैं, और वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या उनका बना है, उनकी अपडेट देते हैं। पता तो हमें भी नहीं है, सुबह के हम भी नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह आपको जाके दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों, अब हम अपनी बकरियों को वापस लेके आ चुके हैं। ये काफ़ी देर बाद बाहर गई थी और इनका दिल नहीं था कार वापस आने का, तो अब हम इन्हें बाहर से लेके आ चुके हैं। अब हम आपको अपने इंक्यूबेटर के अंदर जो हमने अंडे रखे थे, आज उनको दिन पूरे हो गए हैं, आज हम आपको वो दिखाएंगे कि उसकी क्या अपडेट है, क्योंकि आज दिन पूरे हो गए हैं और 2 दिन हमारी मशीन खराब रही थी। हमें डर है कि खराब ना हो गए हों, हो सकता सही हो, लेकिन जाके देखते हैं और उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, फिर रोज़ अफ्तार कर लेंगे। तो चले आप चलते हैं, अपने जाके अंडे दे के आते हैं। तो हमारी फीड इधर ही पड़ी हुई है, बाजरा जिनको डालना है। आप ये देखिए, सारा दिन घूम फिर के खा पी के इधर आके रेस्ट कर रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि ये रात को भूखे ना रहें। आज हमें एहसास हो रहा है रोज़ा रख के इनको भूख लगती है, तो पहले हमने कभी एहसास नहीं था किया। फिर इन्हें वगैरह देखने आए हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और ये हमारा सेटअप देखने आए हैं आज। और ये देखिए इतने चवन है, सारा दिन खा के फिर क्या सिखाएंगे, ये देखना, ये देखिए। ये देखिए वो मिसाल का, और वो देखिए छोटे सीले काम, वो देखिए वो नए काम सीख रहा है। और ये हमारी डक्स, और ये देखिए मिनी पोज को देखना, ये देखिए सबसे चवन ये वाली कॉम होती है, सबसे चवन ये देखिए मिनी पोज। और यार ये हमारा ना आज के वीडियो के अंदर ये भी बताना था आपको कि हमारा एक ये जूला जो है, इसकी टांग को पता नहीं क्या हो गया, ये टांग ही नहीं चरगा रहा, वैसे ठीक खाता नहीं था, ये टांग ही नहीं उधार आ नीचे ना, तो हम इसको रोजाना अपने घर लेके जाते हैं उधर ही रखते हैं। और उसके आगे तो गले था, तो अब हम इसको भी बंद कर लेते हैं, इसके पिंजरे के अंदर वो बीमार चूजा था, और इसको फिर घर ले जाते हैं, इसको बंद करके ना, तो जो बीमार है उसको फिर घर ले जाते हैं। तो आप तो साइड पे हो, ये देखिए क्या शिकार नहीं शिकार ये देखिए, वैसे माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, ये देखिए इसके साथ ही फीमेल मरी थी कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी ना, इसके साथ
ये देखें हमने अपना काम खत्म कर लिया और ये सारी जो है अपना खाना खाने में मसरूफ है और बकरियां खा पी के वैसे चवल जिसे कहते हैं चवल मारना वो मार गया चवल मार गया वैसे खाया हुआ है अपने सामने इनके पेट देखे कैसे भरे हुए हैं। और ये जो है इसको हम घर ले जाएंगे इसकी केयर करेंगे कल से नहीं हुई तो बचेगा ना हुई तो फिर मर जाएगा। और अब चलते हैं और जाके अपने इंक्यूबेटर की अपडेट देखते हैं क्योंकि हमने खुद नहीं देखा हमें पता वैसे दिन पूरे हो गए हैं लेकिन वो सही वजह से हमारे जेन में नहीं रहा तो चले चलते हैं हम लोग। यार जब मैं जाने लगता हूँ कोई ना कोई अपडेट सामने आ जाती है। तो आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जो हमारे पहले बकरी के बच्चे थे उनको अभी तक तरीका नहीं आया खुरली के ऊपर चढ़ने का जिसके अंदर वो खाना खाते हैं उसे खुरल कहते हैं। और जो छोटे हैं ना वो देखें अब दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी आगे चली गई है जानवर भी साथ ही आगे गए हैं ना। तो देखें जो छोटे हैं उनको तरीका आ गया ऊपर चढ़ने का मैं आपको दिखाता हूँ वो भी देखें उनके काम वो देखें एक ऊपर चढ़ गया और एक कोशिश कर रहा है वो देखें वो भी चढ़ गया। तो दोस्तों अब हम अपने स्टोर रूम के अंदर आ चुके हैं अपने इनक्यूबेटर के अंदर अपने अंडे देखने के लिए। तो हमने देखा है तो यार उसके अंदर से कोई बच्चा भी नहीं निकला ना हमारे सारे अंडे खराब हो गए हैं। तो हम जो है ना आपको वैसे दिखा देते हैं वैसे हमारा कोई बच्चा भी नहीं निकला इंशाल्लाह कोई बात नहीं हमारे सारे अंडे खराब हो गए हैं लेकिन इंशाल्लाह हम फिर से रखेंगे दोबारा रखेंगे क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि हमारे खराब हो जाने क्योंकि हमारी एक दो दिन अंदर मशीन खराब रही है मीटर की वजह से तो वो मीटर हमें चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह जो हमने अपने स्टोर किए हैं मुर्गियों के वो इंशाल्लाह दोबारा रखेंगे और आपको इंशाल्लाह उसका रिजल्ट दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग ये देखें जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही हैं। मैं खोल के इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमारे दो अंदर बैंटम के भी थे हमने बाद में रखे थे तो वो भी ना उनको भी ना मसला हो जाए इसलिए नहीं तो हमारे बाकी खराब हो गए हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग सिर्फ यहीं तक था इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के बाद।